रुक करेंगे उत्तराखंड का, क्योंकि उत्तराखंड में क्या स्थिति है, वहां नेतृत्व परिवर्तन किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आलाकमान भी चिंतित थी, उन्होंने भी ये स्थिति भांप ली थी, शायद इसी वजह से ये बड़ा परिवर्तन किया गया है। लेकिन अब सर्वे क्या कहता है, अब आपको बता दें कि सर्वे के आखिरी दिनों में हमने ये सवाल को भी, जिस दिन नेतृत्व परिवर्तन की स्थिति बनी, ये सवाल भी हमने ऐड किया, तो उस सवाल के बाद किस तरह के नतीजे सामने आए हैं उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। और तमाम मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं ब्रेकिंग सेंटर से, मेरे साथ राजीव और स्नेहलता जुड़ी हुई है लगातार, उनसे हम बात करेंगे बड़ी खबरों के लिए। साथ ही साथ प्राची मेरे साथ जुड़ी हुई है, उनसे भी हम बात करेंगे, क्योंकि डेटा सेंटर वन पे खड़ी हैं। और साथ ही साथ आस्था हमारे साथ जुड़ी हैं डेटा सेंटर टू से, उनसे भी हम बात करेंगे। और इसके अलावा राजेंद्र देव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। एक बार फिर से सबसे पहले प्राची के पास चलते हैं। प्राची, पहला सवाल और उसके नतीजे क्या है, बताइए उत्तराखंड को लेकर। बिल्कुल, देखिए हमने उत्तर प्रदेश के नतीजे तो बता दिए कि किस तरीके से सर्वे के नतीजे हैं, अब उत्तराखंड का मूड क्या कहता है ये हम बता रहे हैं कि अगर आज चुनाव हुए तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने का अनुमान है। बीजेपी को 24 से 30 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, कांग्रेस की अगर हम बात कर लें तो 32 से 38 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर कांग्रेस बढ़त बना रही है। अगर बसपा की बात करें तो 0 से 6 यानी अभी खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आम आदमी पार्टी जिस बार ताल ठोक रही है उत्तराखंड में और मजबूत विपक्ष का दावा कर रही है, उसके खाते में सिर्फ और सिर्फ 2 से 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। और जो अन्य छोटे छोटे दल है उनके खाते में भी 0 से 3 सीटें जा सकती है। तो जो अनुमान भाजपा हाईकमान ने लगाया था लगभग उसी अनुमान पर सटीक बैठता हुआ हमारा ये सर्वे, भाजपा को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है, 24 से 30 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, जबकि कांग्रेस की अगर बात कर लें तो 32 से 38 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। रोहित जी बिल्कुल, प्राची तो ये आपने स्थिति दिखाई, और एक बार जल्दी से रुक करेंगे ब्रेकिंग सेंटर का जहां पर स्नेहलता और राजीव है। राजीव, क्या खबर है उत्तराखंड से, आपके अपने राज्य से? बिल्कुल रोहित जी, बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर ये है कि ये सत्ता परिवर्तन की ओर इशारा कर रहा है कि अभी तो स्थिति बहुत अच्छी नहीं है बीजेपी की। बीजेपी को 24 से 30 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस की बात करें तो 32 से 38 सीटें। बिल्कुल राजीव, तो एक पैटर्न उत्तराखंड का कई बार कहते हैं, क्या ये बरकरार रहेगा? बहरहाल जो आंकड़े हैं वो जरा देखिए, कांग्रेस के खाते में 32 से 38 सीटें, बसपा की बात कर ले 0 से 6। आप बिछाने की कोशिश में है, उसके लिए आंकड़े बताते हैं 2 से 8 सीटों पर कब्जा, और छोटी छोटी अन्य पार्टियों की भी बात कर लेंगे राजीव, तो वो 0 से 3 का आंकड़ा दिखाती है। जी रोहित जी बिल्कुल, और श्रेता आपने ये स्थिति दिखाई, और जल्दी से प्रदीप जी का रुख करते हैं, बड़ी खबर है उत्तराखंड से। प्रदीप जी, सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंताजनक खबर उत्तराखंड से, प्रदीप जी। देखिए रोहित जी, किसी बड़े मैंडेट को किस तरह से वेस्ट किया जा सकता है, इसका उदाहरण है उत्तराखंड। बहुत बड़ा जनादेश मिला था 2017 में भारतीय जनता पार्टी को वहाँ, लेकिन जिसको मुख्यमंत्री बनाया उन्होंने सब गुड़गोबर कर दिया। तो बीजेपी ने एक नीति बनाई थी 2014 से कि जिसको राज्य में मुख्यमंत्री का जिम्मा सौंपेंगे 5 साल उसी के पास जिम्मा रहेगा, चाहे जैसा काम करे। उसका नतीजा ये हुआ कि राजस्थान और झारखंड हार गए। वहाँ के बारे में कहा जाता था कि नेतृत्व परिवर्तन पहले हो जाता तो शायद स्थिति सुधर जाती, यही। लेकिन ये नियम जो है उस गलती से सबक सीखा है और यहाँ नेतृत्व परिवर्तन किया है, लेकिन वो कितना प्रभावी होगा, क्योंकि नए मुख्यमंत्री के लिए बहुत मुश्किल है, 1 साल से भी कम का समय है, कैसे वो स्थितियों को सुधारेंगे, ये उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। बीजेपी एक बार पहले भी कर चुकी है, बीसी गंडूरी को 5-6 महीने पहले, चुनाव से पहले मुख्यमंत्री बनाया था लेकिन सफलता नहीं मिली। इस बार क्या होगा कहना मुश्किल है, लेकिन निश्चित रूप से उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां मुख्य रूप से 2 ही पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी। कांग्रेस में उत्तराखंड ऐसा राज्य है जहां स्टेट लीडरशिप अभी बची हुई है, लेकिन उस लीडरशिप पर केंद्रीय नेतृत्व का कितना भरोसा है, जो जनाधार वाले नेता हैं उनको कितना भाव मिलता है, इस पर निर्भर करेगा कि ये आंकड़े जो है चुनाव नतीजे में बदल पाएंगे या नहीं। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है। अभिज्ञान प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए, अभिज्ञान उत्तराखंड से बड़ी खबर, सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी जहां नेतृत्व परिवर्तन भी किया उन्होंने, तो सीधा नुकसान होता हुआ दिख रहा है बीजेपी को और कांग्रेस को सीधी बढ़त, क्या कहना है आपका? बिल्कुल सही बात है, बीजेपी ने नेतृत्व परिवर्तन इसीलिए किया, बिल्कुल सही बोला प्रदीप जी ने कि भाई जब स्थिति बीजेपी मेटिकुलसली ऑपरेट करती है बीजेपी,
वो भाग गई कि भाई स्थिति इतनी खराब है कि जो जिनको मुख्यमंत्री बनाया गया है उनसे तो आपके आंकड़े खुद ही बता रहे हैं कि हार सुनिश्चित होने वाली है। तो उन्होंने जिसे कहते हैं एक लास्ट डिच गैम्बल, एक आखिरी दाव खेला और मुख्यमंत्री को बदला है। अब इसका क्या नतीजा निकलेगा ये तो मैं और आप अभी नहीं बता सकते, लेकिन सर्वे जरूर ये बता रहा है कि उससे उस व्यक्ति परिवर्तन से मुख्यमंत्री की कुर्सी के कोई फायदा बीजेपी को बड़ा नहीं नजर आ रहा है। लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा और 100% अग्री करता हूं प्रदीप जी से कि आप समझिए कि हालत वहां कितनी खराब, बीजेपी को सेंट्रल लीडरशिप को पता चल रही होगी कि अंततः उन्होंने मुख्यमंत्री बदला। बीजेपी पारंपरिक तौर पर सही कहा उन्होंने, ऐसा नहीं सोचती कि आप अपनी लीडरशिप जो है वो चुनाव से कुछ समय पहले बदलिए, क्योंकि उससे ये साबित हो जाता है कि आपने पहले जो अपना लीडर चुना था वो गलत चुना था और ये पार्टी की डिसीशन मेकिंग पर, निर्णय लेने की क्षमता पर बहुत नेगेटिव असर डालता है। इसलिए उत्तराखंड की तस्वीर चिंताजनक है बीजेपी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।